नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलेज के प्रवेश फॉर्म किस प्रकार से भरे बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर 2019 के प्रवेश फॉर्म, वो भी इमित्र पोर्टल के माध्यम से भरना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप इमित्र कियोस्क के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप नहीं करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इमित्र से फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इमित्र पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, तो आपको यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना होगा। जैसे यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स दिखाई देगा, इसके अंदर DCE टाइप करना है, DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट ये रेड कलर में ब्लिंक हो रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना है जहाँ से आपको कॉलेज के लिए आवेदन करना है, जहाँ के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो मैंने ये सिरोही ले लिया। उसके बाद उस कॉलेज के नाम के ऊपर क्लिक करना है जिस कॉलेज से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो राजस्थान बोर्ड है, उसके अलावा CBSE, राजस्थान स्टेट, ITI, पॉलिटेक्निक और ये अदर। तो दोस्तों अदर के अगर कोई ऊपर वाले ऑप्शन नहीं मिले तो अदर का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड ले लेता हूँ राजस्थान। उसके बाद दोस्तों आपको उस बोर्ड के रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे जहाँ से आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किए, वो ट्वेल्थ कंप्लीट करने के रोल नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रथम अल्फ़ाबेट यहाँ पर एंटर करना है, एप्लीकेंट नेम फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपको 1.3 में एंटर करना है। फिर आपके पिताजी का अल्फ़ाबेट 1.4 में एंटर करना है, जो भी आपका पिताजी का नाम स्टार्ट होता है फर्स्ट हेल्प। और फिर 1.5 के अंदर आपको कौन से साल में आपने पास किया है। उसके बाद 1.6 के अंदर आपको एंटर करने हैं कैप्सा। उसके बाद दोस्तों गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये डिटेल दिखाई देगी, जांच करके आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पे गर्ल्स के लिए आर यू सिंगल साइड गर्ल, क्या आप सिंगल हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं शादीशुदा है तो। उसके बाद दोस्तों आपको जन्म तारीख लेनी है 2.5 के अंदर, तो मैं यहाँ पे जन्म तारीख ले लेता हूँ, ये मैंने जन्म तारीख ले ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2.7 के अंदर, 2.6 के अंदर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर दोस्तों वही एंटर करें जिसके जो आपके अभी सही है वह इसके ऊपर मैसेज आ जाए, ऐसा ही मोबाइल नंबर एंटर करें। जियो के मोबाइल नंबर दोस्तों एंटर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर कर लो। दोस्तों ईमेल आईडी भी एंटर करना जरूरी है स्टार मार्क, क्योंकि इसके ऊपर भी इस बार इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो भी कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस आगे जो रहेगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है उसका मैसेज भी आपको मिलेगा। तो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना बिल्कुल ना भूले, वो भी बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी एंटर कर ली। उसके बाद 2.8 के अंदर आप वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है स्टार मार्क नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड की एंटर डालनी है 2.9 के अंदर, तो आपके पास आधार कार्ड है या फिर एनरोलमेंट नंबर है वो पहले सेंड कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आधार कार्ड की डिजिट 12 डिजिट आपको एंटर करनी है 2.9 के अंदर, तो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आएगा 2.10 में आप हमासा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद 2.11 में आपकी कैटेगरी है और 2.11.1 में आपको अपनी कास्ट लिखनी है। 2.11.1 के अंदर दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे आपको अपनी कास्ट लिखनी है, और 2.12 के अंदर अगर आप विकलांग हैं तो यस वरना नो, आर यू CAPF पर्सन तो नो, आप BPL है तो यस वरना नो कर लो, फिर आप कश्मीर से हो तो यस, और फिर आसाम का पूछा जाएगा अगर है तो यस वरना नो। तो इसमें से जो भी कैटेगरी आपको ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट एडिशनल एड्रेस डिटेल। दोस्तों तो एड्रेस डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको अपना स्टेट कंट्री ले ली, फिर आप राजस्थान के मूल निवासी है यस, नहीं है तो नो ले सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा 3.2 के अंदर, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों जो एड्रेस आप फिलअप कर रहे हैं उसके अंदर पूरा एड्रेस डालें, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट सहित, इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने महावीर बस्ती तखतगढ़ डाल दिया और पीछे वाला एड्रेस छोड़ दिया, पूरा डालना आपको डिस्ट्रिक्ट सहित। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ गया तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं तहसील ले लूँगा, फिर पिन कोड ले लूँगा। तो ये तहसील ले ली मैंने,
तो तहसील दोस्तों ध्यान रखें आपकी सही तहसील आप लेने की कोशिश करें। उसके बाद पिन कोड ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर परमानेंट एड्रेस और मेरा प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी नहीं अगर अलग है तो मैं अलग से फिलअप करूँगा, तो मैं सेम है तो मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद दोस्तों फोर्थ वाला पॉइंट है बोनस मार्क के लिए, अगर लेना है तो यस करना है, नहीं तो नो। अगर आप यस करते हैं, जैसे मैं यस करके एक बार आपको बता देता हूँ, तो उसके अंदर आपको कैटेगरी लेनी पड़ेगी बोनस मार्क के लिए। अलग अलग कैटेगरी है, NCC, NSSS, स्पोर्ट्स, तो इस तरह की कुछ कैटेगरी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें से कोई कैटेगरी है तो ये आप बोनस मार्क मिलेगा, वरना फिर आपको नो ही लेना पड़ेगा, नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेकेंडरी की डिटेल यानी 10वीं की डिटेल भरनी है, तो सबसे पहले आपने बोर्ड ले लिया 10वीं का। उसके बाद दोस्तों आपको 10वीं के रोल नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद 10वीं की आपको स्कूल, किस स्कूल से आपने 10वीं क्लियर की है तो वो आपको एंटर करना है। ये आपको अपनी मार्कशीट पे मिल जाएगी, जो 10वीं की अंक तालिका है उसके ऊपर स्कूल का नाम आता है, तो वहाँ पे देख के आप कंप्लीट वहाँ पे लिखा हुआ नाम वही आप यहाँ पे एंटर कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको एंटर करना है ईयर ऑफ पासिंग, तो कौन से साल में आपने 10th पास की है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2017, तो मैंने 2017 का कंप्लीट हो गया। फिर कितने में से कुल नंबर थे 10वीं के अंदर और कितने नंबर आपने प्राप्त किए, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे और फिर रिजल्ट आपको पास लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसी तरह 12th की डिटेल अगर आपको ऑटोमेटिक आ गई है तो कोई बात नहीं, आई तो आपको कंप्लीट फिलअप करनी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने बोर्ड डाल दिया, फिर रोल नंबर डाल दिया और इसके बाद में आपको नेम ऑफ द कॉलेज डालना होगा। अगर 10वीं 12वीं में अलग है तो आप अलग से डाल दो। अगर आपकी 10वीं और 12वीं के अंदर जो स्कूल है वो सेम है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सेकेंडरी वाली वो की वो डिटेल आप आगे वाले में भी भर सकते हैं। अगर अलग है तो अलग आपको स्कूल डालने, तो मेरे सेम है तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट ही कर लेता हूँ। उसके दोस्तों यहाँ पे आर्ट्स ले लिया, कितने में से कितने नंबर आ गए सब हो गया, फिर पास सेम जैसे 10th का भरा वैसे के वैसे 12th का। फिर आपको कौन सी क्लास में BA फर्स्ट ईयर, BSc, BCom जो भी लेना है तो वो आप कोर्स ले लो। जैसे ही कोर्स लोगे तो डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट टॉपर यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट आप दोस्तों लेने ही हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, तो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट का चयन करना है जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको आगे के कॉलेज की पढ़ाई करनी है। तो मैंने यहाँ हिंदी, लिटरेचर और जियोग्राफी ले लिया दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज में फिर कॉम्बिनेशन पे करके मैं ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे क्लिक करूँगा और एक कॉम्बिनेशन ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों मुझे दो और कॉम्बिनेशन ऐड करने पड़ेंगे। अगर शेयर सब्जेक्ट है तो आपको 3 कॉम्बिनेशन ऐड करने पड़ेंगे। अगर शेयर से अधिक सब्जेक्ट है किसी कॉलेज के अंदर तो आपको 5 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने होंगे। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, 2 कॉम्बिनेशन में कोई भी और ले लेता हूँ, ये करके मैंने ऐड कर लिया। दोस्तों आप कोई भी ले सकते जो आपको अच्छा लगे कि ये कॉम्बिनेशन मुझे मिलने चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। अगर 3 कहीं पर महाविद्यालय कॉलेज के अंदर 3 ही सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप ये नहीं ले सकते, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ही लेना होगा। फिर दोस्तों 7वें के अंदर आपको अपने पिताजी की डिटेल डालनी है, तो पेरेंट्स डिटेल डालनी है, तो मैं पेरेंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद 7.2 पॉइंट के अंदर मैं लूँगा कि आपके जो पिताजी या फिर मदर जो भी है तो क्या काम करते हैं, मैंने अदर ले लिया। उसके बाद 7.3 आएगा पॉइंट, जिसके अंदर मुझे वापस कंप्लीट एड्रेस लिखना है पिताजी का, तो मैं यहाँ पे महावीर बस्ती तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर डिस्ट्रिक्ट पाली में ले लूँगा, तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल फिलअप कर ली। फिर 7.4 आएगा, जिसके अंदर मुझे पिताजी के मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे पिताजी के मोबाइल नंबर की डिजिट एंटर कर लूँगा 10 डिजिट, तो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों 7.5 में अगर हो तो आप डाल सकते हो, ब्लैंक छोड़ दो। फिर 7.6 आएगा, तो यहाँ आप जो भी आपके फैमिली की इनकम है वो ले लो, और फिर आप 7.7 के अंदर आपकी जो कैटेगरी बनती है वो आप चयन कर लो आपके हिसाब से देख के। उसके बाद दोस्तों गिव प्रायोरिटी ऑफ द एक्टिविटी क्लोज, मतलब आप कॉलेज के अंदर कौन सी एक्टिविटी को करने की प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे आपको लेना जरूरी है, तो मैं NSS ले लेता हूँ। फिर NCC ले लिया, जो भी है सारा ऑप्शन आप ले लो। उसके बाद दोस्तों 7.9 आएगा, अगर आपको फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो बस में जो आने जाने का टिकट फ्री में चाहते हैं तो यस कर लो, यहाँ पे यस ही करने की कोशिश करनी है दोस्तों। सेकंड वाले के अंदर आप कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्स करना चाहते हो तो यस, वरना नो। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल ऐप जो इंग्लिश लैंग्वेज का चाहिए तो यस, इसके अलावा और कोई जानकारी के लिए एक ऐप होता है फ्री वाला वो भी चाहिए तो यस कर लो, वरना फिर नो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी का है। फिर 7.13 के अंदर आपको यहाँ पे अलग से आपको इंटरेस्ट इन कोचिंग इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोचिंग आप करना चाहते हैं फ्री में जो कॉलेज के द्वारा कराई जाती है, अगर चाहते हैं तो यस कर लो। अगर यस करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको
लेना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन सा कोर्स कौन से स्ट्रीम के अंदर आपको तैयारी करनी है कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो मैंने आरएस ले लिया, सेकंड ले लेता हूँ, सेकंड ले लिया मैंने ये टीचर ले लिया, और थर्ड मैं एलडीसी ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगले वाले ऑप्शन के अंदर है, आप इग्नू से कोई भी एजुकेशन करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं, या कोई ज़रूरी ऐसी चीज़ नहीं, जो भी आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं यस, जब भी आप यस करेंगे तो आपको संबंधित ऑप्शन भी चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर यस किया मैंने इग्नू, तो इग्नू के संबंधित मैं एक कोर्स ले लेता हूँ। तो मैंने टूरिस्ट स्टडी ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आरएसएलडीसी से भी आपको कोर्स करना चाहते तो यस कर लो, वरना फिर नो कर लो। तो यस करेंगे तो आपको संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि कौन सी प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, कौन से कोर्स को प्रथम, अगर नहीं तो फिर आप नो कर लो। फिर आपको अगर कॉम्पिटिशन जो जीके कॉम्पिटिशन 13/7/2019 का है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते तो यस कर लो, अगर पार्टिसिपेट नहीं करना तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी या फिर अपने पिताजी की बैंक डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो दोस्तों ये है 8 नंबर पॉइंट। तो 8.1 के अंदर आपको भरना है अकाउंट नंबर आपके या फिर आपके पिताजी के किसी के भी अकाउंट नंबर आप एंटर कर सकते हैं, अगर आपके खुद का बैंक खाता नहीं है तो। अगर है तो आपके खुद के बैंक खाता नंबर एंटर करने की कोशिश करें, तो ये विशेष आप ध्यान रखें। तो ये है 8 नंबर पॉइंट, बैंक अकाउंट डिटेल। तो ये दोस्तों फीस रिफंड के लिए भराई जाती है, किसी कारणवश फीस रिफंड करने की जरूरत पड़ती है डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी। फिर दोस्तों नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नाम आपको एंटर करना है कि किसके नाम से आपका खाता है। फिर दोस्तों नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम आपको एंटर करना है कि कौन सी बैंक के अंदर आपका ये खाता है। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से बैंक का चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया। फिर ये कहाँ की शाखा है, कौन से विलेज या सिटी की है, तो मैं तखतगढ़ ले लेता हूँ, तखतगढ़ सिटी की है। फिर मैं ब्रांच के आईएफएससी कोड एंटर करूँगा, ये मैंने आईएफएससी कोड एंटर कर लिए। उसके बाद दोस्तों आप मैं पहुँच जाऊँगा 9th नंबर अटैचमेंट पॉइंट के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट के अंदर आपको एप्लीकेंट का फोटो यहाँ पे 100 से 150 KB के बीच में अपलोड करना। फिर सेकेंड वाले में सिग्नेचर है ये 50 से 100 KB, और थर्ड वाले में कास्ट है जो 250 से 500 KB के बीच आपको अपलोड करना है। उसके बाद यस करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। फिर ओके पे क्लिक करना है और आपको प्रिंट का ऑप्शन अगले वाले स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो ये प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। ये जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी है पेपर साइज A4 वगैरह जो भी सेटअप करके मैं इसकी प्रिंट आउट दे दूंगा। तो दोस्तों ये था कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन द्वारा संचालित गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर व BSc फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप आवेदन किस प्रकार से करें। दोस्तों इसमें आपका चयन परसेंटेज के हिसाब से होगा, इसके लिए अलग से लिस्ट जारी होगी, जिसे अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करें, और इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों।